डेथ सबसे क्लियर थिंग है, क्योंकि हर किसी को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक ना एक दिन उसे मरना ही है। हाँ, मरने के तरीके वैरी कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिंपल ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास में बहुत सारे लोगों की ऐसी मृत्यु हुई जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब जिस कारण से वो मारे गए वो बहुत ही अजीब कारण थे, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ डेथ्स के बारे में बताऊंगा। आज से 2500 साल पहले सिसली का कानून बनाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम चारोंडस था। उसने एक नियम बनाया कि असेंबली में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के वेपन के साथ आता है तो उस व्यक्ति को मरना होगा। और दोस्तों, एक दिन गलती से वो व्यक्ति खुद ही अपनी जेब से नाइफ हटाना भूल गया और वो असेंबली में चाकू के साथ पहुंच गया, और नियम का उल्लंघन ना हो इस कारण से उसने सुइसाइड कर लिया। सिकार्ड द माइटी एक व्यक्ति था, उसने अपने एनिमी को सिर काट के मार डाला। उसके बाद दूसरों को शान के रूप में दिखाने के लिए वो अपने एनिमी के सर को अपने घोड़े में टांग के ले जा रहा था अपने पैर के पास। ताजुब से उसके एनिमी के कुछ दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, और जब वो घोड़े पर उसके सिर के साथ जा रहा था तो उस एनिमी के एक दांत ने इसके पैर पे हल्का सा घाव कर दिया, और दोस्तों उस घाव के कारण इसके पूरे पैर में इन्फेक्शन हो गया और कुछ दिन बाद वो मारा गया। मतलब एक मरे हुए व्यक्ति ने उसे मार दिया। साल 1518 में एक डांसिंग प्लेग था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था पूरे वर्ल्ड में। मतलब उसमें लोग अपने आप पागलों जैसे नाचते हुए चलते जाते थे। उस डांसिंग प्लेग का क्या कारण था, लोग क्यों नाचते थे, ये तो आज तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, बहुत दिनों तक लगातार डांस करने के कारण उसमें से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। किसी को हार्ट अटैक आ गया और किसी को एग्जॉशन हो गया। 21 अक्टूबर 1556 में पेट्रो एरेटिनो नाम का एक इटालियन ऑथर रहता था। एक दिन जब वो अपने किसी साथी के साथ खाना खा रहा था तो उसके साथी ने कोई जोक सुनाया, और दोस्तों उस जोक पे हंसते हंसते उसकी मौत हो गई है। मतलब हंसते हंसते लग गए रस्ते। 1814 में लंदन में एक बहुत अजीब सी घटना हुई। एक बियर फैक्ट्री में से 3500 बैरल बियर अपने आप फ्लो हो गया, जिस कारण से पूरे शहर में एक बियर फ्लड आ गया, और दोस्तों शराब में डूब के 8 लोगों की जान चली गई। 1871 में एक वकील अपने क्लाइंट को एक मर्डर के केस में बचा रहा था। उसके क्लाइंट पे ये आरोप लगा था कि उसने किसी को गोली मार दी है, जबकि उसका क्लाइंट कह रहा था कि उसने गोली नहीं मारी, बल्कि जो मरा है उसने खुद को ही गोली मार ली गलती से। और दोस्तों, कोर्ट में साबित करने के लिए उसके वकील ने खुद ही एक गन ली, और ये दिखाने के लिए कि वो व्यक्ति खुद ही गोली मार के मर सकता था, खुद को गोली मार ली, और उसी से उसके वकील की मौत हो गई। लेकिन केस में ये प्रूव हो गया कि उसका क्लाइंट निर्दोष है। दोस्तों, ये सबसे अजीब है। 4 फरवरी 1912 को एक ऑस्ट्रियन टेलर को ये लगा कि उसने एक ऐसी डिवाइस को बना लिया है जिसे लेके वो उड़ सकता है, और इसी विश्वास के साथ वो आईफिल टावर के सबसे ऊपर चले गया और वहां से उसने छलांग मार दी। उसे ये लगता था कि उसका डिवाइस काम करेगा और वो उड़ पाएगा, लेकिन उसके डिवाइस ने काम नहीं किया और वो आईफिल टावर से गिर के मारा गया। दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही वियर्ड और अजीब डेथ जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। तो भविष्य में और ऐसे मजेदार और हंसमयी कहानियों को सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए।